मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ वाघाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब अमल में आया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्थायी कमेटी के हिसार गुरु में सुबह 10 बजे जिला कलेक्टर अरुण दोंगड़े, कमिश्नर गणेश देशमुख और नगर सचिव अजीत पाल सिंह सिंधु की जेर निगरानी में अमल में आया। कांग्रेसी सीनियर कायद शमीम अब्दुल्ला को चेयरमैन मुंतखब किया गया। शमीम अब्दुल्ला को चेयरमैन मुंतखब होने पर अमरनाथ राजूरकर, मसूद अहमद खान ने गुलदस्ता पेश करके खुशी का इजहार किया और एक रैली भी निकाली गई जो नगर पालिका से लेकर देगलू नाके पर रैली का अख्तिताम अमल में आया। इसी दौरान कांग्रेसी वर्कर ने शमीम अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश की और जश्न मनाया गया। इस मौके पर अब्दुल लतीफ लोखंडवाला, साबिर चाउश, चांद पाशा कुरेशी, बाबू भाई खोके वाले के अलावा तमाम कांग्रेसी कारपोरेटर ने शिरकत की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आज स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना। उसके बाद में हमारे नेता अशोक राव जी चौहान साहब, आमदार अमर राजूरकर, पालक मंत्री माजी डीपी सावंत साहब, महापौर और भाभी जी, उप महापौर विनय गिरडे और सभी स्टैंडिंग के मेंबर, सभागृह नेता विजेंद्र सिंह गाड़ी वाले और सभी नगर सेवकों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे इस काबिल समझा गया 73-74 नगर सेवकों में कि मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना। ये तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर पर नांदेड़ शहर के मेरे प्रभाग के तमाम वोटर और जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मैं सभापति बना और इसके आगे मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ से मेरी शुरुआत है और जो भी काम होंगे शहर के, इंशाल्लाह उसमें भरपूर मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा।